देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए थोड़ी ढील देने का फैसला किया है। गृह विभाग ने 3 मई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए सभी जिलों में कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने का आदेश दे दिया है। जिन दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैटरी की दुकानें और सर्विस सेंटर शामिल हैं। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, टायर ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट की दुकानें और सर्विस सेंटर भी खुलेंगे, लेकिन ये दुकानें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खुल सकती हैं। वहीं पटना के डीएम कुमार रवि ने आदेश की घोषणा करते हुए बताया कि पटना में सिर्फ 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही निजी कंपनियों के ऑफिस भी खुलेंगे, मगर शर्त ये रहेगी कि इन ऑफिसों में सिर्फ 33% कर्मचारी ही आएंगे। दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं पटना के 14 कंटेनमेंट जोन जो कोरोना प्रभावित हैं, वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सभी जिला अधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है। न्यूज डेस्क।